हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये न्यू वैगनर गाड़ी है जो कि 2023 मॉडल गाड़ी है। तो इस गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पर इंजन से नॉइस आती है। तो मैं आपको सुनाता हूँ इस नॉइस इंजन की। तो आपने सुना होगा, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो इसमें से टक टक की नॉइस आ रही है। तो फाइनली हमने ऑब्जर्व किया, हमें जो साउंड सुना रही है वो आ रही है हमें हेड की तरफ से। तो इसके लिए हम इसका जो कवर है, इसका टैपट कवर, उसको खोलेंगे। तो इस तरह से फाइनली आपने टैपट कवर को खोलना, तो उसमें जो फिटिंग है सारी खोलेंगे। स्पार्क प्लग खोली हमने, प्लग वगैरह खोलने के बाद कॉइल वगैरह खोली, और उसके बाद जो इसके जो बोल्ट लगे हैं सारे, वो सभी बोल्टों को खोलेंगे। तो उसके बाद इसका जो कवर को हम बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, अभी हम इसका टैपट कवर खोल लें। तो आपने भी इस तरह से टैपट कवर को खोलना है। तो ये रहे इसके बोल्ट, सभी बोल्टों को हम खोलेंगे। तो ये देखिए, ये रहा हमारा टैपट कवर। तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो अभी हम इसके जो टैपट कवर की जो फिटिंग के बोल्ट हैं वो सभी को खोलेंगे। तो एक चीज़ का आपने नोटिस करनी है, जब भी आपने इसको केम को बाहर निकालना है, उसके लिए हमें चैम्बर भी खोलना पड़ेगा और साथ में टाइमिंग को भी खोलना पड़ेगा। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं टाइमिंग और चैम्बर आपको नहीं दिखा रहा, तो मैं सीधा आपको केम खोलने का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको टाइमिंग और चैम्बर खोलना पड़ेगा। तो ये रही हमारी इनलेट वाली केम। तो ये हमारी जो गाड़ी है इसमें डबल VVT है। तो ये रही हमारी एग्जॉस्ट वाली कैम, इसको हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये रही इनलेट कैम, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हम इसके जो रोकर बॉल रोकर आर्म है उसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, वन बाई वन करके आपने इसके जो रोलर लगा हुआ है कि हमने प्ले को चेक करना है। तो ये देखिए, जो हम चेक कर रहे हैं ये हमें सही दिख रहे हैं। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा आपने इसको कैसे चेक करना है। तो वन बाय वन करके हम सभी को बाहर निकालेंगे। तो आपने भी इस तरह सभी बॉल रॉकर आर्म को बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए, जो हमें इसमें जो बॉल रॉकर आर्म है वो हमें ख़राब दिख रही है। तो उसके बाद हम इसके जो हाइड्रोलिक बाल्ब लैश एडजस्टर को चेक करेंगे। तो आपने इसका सही तरीका यही है, इसको आपने ऐसे प्रेस करके देखना है। अगर ये प्रेस होता है तो हमारा जो हाइड्रोलिक बाल्ब लैश एडजस्टर है वो ख़राब है। अगर प्रेस नहीं हो रहा हाथ से, तो दैट मीन हमारा जो हाइड्रोलिक बाल्ब लैश एडजस्टर है वो बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से आपने सभी को चेक कर लेना है। तो ये देखिए, वन बाई वन करके हमने सभी को चेक किया। तो हमें जो इसके हाइड्रोलिक बॉल लैश है एडजस्टर वो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फाइनली आपको ले चलता हूँ इसके जो हमें जो प्रॉब्लम दिखी है इस गाड़ी में। तो ये रही हमारी इनलेट कैमशाफ्ट। तो आप ध्यान से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, इस पॉइंट पे हमें ये कट के निशान आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, इसके ऊपर कट के निशान है। दैट मीन जो हमारी केम है ये ख़राब है। ये इनलेट जो हमारी केम थी वो ख़राब थी। इसका रीज़न ये हुआ कि जो इसका जो बॉल रॉकर आर्म थी वो ख़राब होने के कारण हमारी जो केम है वो भी ख़राब हो गई है। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये दोनों केम हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट। तो ये दोनों डबल VVT वाली केम है। तो ये देखिए, ये पॉइंट भी सही है और ये पॉइंट भी हमारा सही है। तो ये देखिए, ये पॉइंट भी सही है और ये भी सही है। तो आप ये देखिए, इस पॉइंट के ऊपर ये देखिए,
इसके कट बना हुआ है, तो दैट मीन जो हमारी जो केम है ये ख़राब है। ये देखिए दोनों साइड इसमें कट बना हुआ, तो इसका रीज़न मैं बताऊंगा ख़राब होने का। तो ये रहा हमारा बॉल रॉकर आर्म, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बॉल रॉकर जो हमें ख़राब मिला गाड़ी में। तो ये रहा, तो ये देखिए इसके अंदर काफ़ी प्ले है, तो इसके अंदर रोलर बैरिंग टाइप होता है, तो ये इसके अंदर प्ले आ गई है। प्ले आने के कारण ये इसको दबा के चल रहा था केम के ऊपर, तो उसने केम को भी ख़राब कर दिया। तो ये देखिए, ये देखिए ये रॉकर आर्म हमारा ख़राब है, और साथ में जो हमारी इनलेट केम शाफ्ट थी वो भी ख़राब है। तो ये रहा सही रॉकर आर्म, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए हम इसको प्रेस कर रहे हैं, ऊपर नीचे करके दिख रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो ये देखिए जो ख़राब वाला आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए जैसे हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी प्ले है। तो ये जो हमारा जो रॉकर आर्म है ये ख़राब हो गया, साथ में इसने केम को भी ख़राब कर दिया। तो हम ये दोनों पार्टों को चेंज करेंगे। मैं आपको हाइड्रोलिक बॉल लैश एडजस्टर चेक करके बताता हूँ। तो इस तरह से आपने इन सभी बॉल हाइड्रोलिक बॉल लैश एडजस्टर को चेक करना है। तो ये देखिए जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं, उंगली की मदद से ये प्रेस नहीं हो रहे, तो बिल्कुल ओके हैं। तो ये रही हमारी न्यू केम, तो हमने न्यू केम ले ली है। हमारी जो इनलेट वाली केम थी उसको हम रिप्लेस करेंगे, और साथ में जो हमारा बॉल रॉकर आर्म है उसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा न्यू पार्ट, इसमें देखिए एकदम भी प्ले नहीं है, तो ये दोनों पार्ट हम रिप्लेस करेंगे। तो ये रही पुरानी केम, तो अभी हम इसके ऊपर इसका जो बीबीटी खोल के नई केम के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए हमने बीबीटी को फिट कर लिया, उसके बाद हम इसकी जो फिटिंग खोली थी दोबारा गाड़ी को रीफिट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोलिक बॉल लैश एडजस्टर डालेंगे 1x1 करके। तो इस तरह से आपने सबसे पहले हाइड्रोलिक बॉल लैश एडजस्टर को डालना है। तो ये देखिए सभी को हम इस तरह से डालेंगे, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए सभी हमने हाइड्रोलिक बॉल लैश एडजस्टर फिट कर लिए, उसके ऊपर हम इसके जो रॉकर आर्म आएगी बॉल रॉकर आर्म को फिट करेंगे। तो ये देखिए सभी रॉकर आर्म को इस तरह से आपने फिट कर लेना। तो ये देखिए अभी हम सभी रॉकर आर्म को फिट कर रहे हैं, तो आपने भी इस तरह से सभी रॉकर आर्म को जो हमारे जो बॉल रॉकर आर्म है उसके ऊपर बिठाएंगे 1x1 करके। तो आपने भी इस तरह से सभी को इस तरह से बिठा लेना। तो उसके बाद हम इसकी जो इस तरह से ये देखिए इस ब्रैकेट को लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद उसके बाद हम केम को बिठाते हैं। तो ये रही हमारी जो केम है इनलेट वाली में जो केम है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने न्यू डाली है। तो ये रही हमारी इनलेट केम, ये हमने न्यू फिट की है, ये हमारा न्यू पार्ट है, इसको हम फिट करेंगे। उसके बाद हमारी जो एग्जॉस्ट वाली केम है उसको भी हम फिट करेंगे। उसके बाद जो इसके ऊपर जो बकल आते हैं वो सभी को हम बिठाएंगे। तो उसके ऊपर नंबरिंग दी होती है, वो अपने नंबरिंग वाइज बिठाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर दिए होते हैं, तो आपने भी उस तरह से सभी को बिठाना है। तो ये देखिए इसके ऊपर जो बकल है इसके ऊपर नंबरिंग दी होती है, इसको अपने ऐसे सीरियल वाइज बिठाना है। तो इसके ऊपर जो निशान है वो एग्जॉस्ट वाला लिखा होता है, जो बकल एग्जॉस्ट का होता है एग्जॉस्ट लिखा होता है, ई एक्स लिखा होता है, जो इनलेट होता है उसमें आई एन लिखा होता है।
तो आपने भी इस तरह से प्रॉपर सीरियल वाइज करके इसको बिठाना है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने प्रॉपर इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इसके जो बकल है उसको हम फिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने भी सभी बकल को इस तरह से फिट कर लेना। तो उसके बाद हम इसका टाइमिंग एडजस्ट करेंगे, दोबारा से टाइमिंग फिट करेंगे और साथ में इसका चैम्बर भी लगाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं आपको वो पोर्शन दिखा नहीं रहा। तो आपने इसका टाइमिंग भी बांधना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने टाइमिंग फिट कर लिया। टाइमिंग फिट करने के बाद इसकी जो प्रॉपर फिटिंग हम सारी करेंगे। फाइनली अभी हमने जो फिटिंग खोली थी वो सारी को फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए देखिए, गाड़ी को हमने कंप्लीट फिट कर लिया। तो उसके बाद मैं आपको इसकी साउंड चेक कराता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।